नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कर्मचारी शिक्षक बड़ी खबर है। इसके पहले हमने एक नई मांग आपको बताई थी, एक बार फिर नई मांग लेकर आए हैं कि राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों को भी केंद्र के समान संतान शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता मिलना चाहिए। इसके पहले हमने मध्य प्रदेश के शिक्षा और अन्य विभागों में जो प्रभारी कार्य संभाल रहे हैं उनको अतिरिक्त भत्ता भी मिलना चाहिए। आइए खबर जानते हैं, इस पर अपने विचार लिखें। ये केंद्र सरकार कर्मचारियों को लाभ मिलता है। केंद्र के समान राज्य को मिले संतान शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों के एजुकेशन पर अलाउंस मिलता है जो प्रति बच्चा 2250 रुपये है। इस प्रकार दो बच्चों पर केंद्रीय कर्मचारियों को हर महीने 45 रुपये उनकी सैलरी में जुड़कर मिलते हैं, जबकि राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिलता। इस संबंध में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महामोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह ठाकुर ने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों को भी संतान शिक्षा प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाए। महामोर्चे के प्रदेश संयोजक प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उदित भदौरिया ने बताया कि मोर्चा द्वारा अति आवश्यक मांगों को निराकृत करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। चुनाव से पूर्व 20 मांगों में से कुछ के शीघ्र अतिशीघ्र निराकृत होने की संभावना है।